हरे ओम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर की यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर भी करते जाएं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो विषय है एमपी बोर्ड क्लास 10th में मैथ्स से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 करवाने वाले हैं बहुपद, जिसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रश्न बैंक द्वारा जारी किए गए हैं आज हम इनको हल करेंगे। और स्टूडेंट्स, यहां से लगभग 10 अंक का पूछा जाता है। यदि आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आप ये सभी के सभी प्रश्न बड़ी आसानी से हल कर पा रहे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर लिया गया है, कह रहे हैं द्विघात बहुपद है कोई भी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि द्विघात बहुपद क्या कहलाता है। स्टूडेंट्स, तो ऐसा बहुपद जिसमें अज्ञात राशि पर अधिकतम 2 की घात होती है उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। तो अज्ञात राशि जैसे यहाँ x है तो यहाँ कितने की घात है, 2 की घात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि ये द्विघात बहुपद है। और फिर ये देखा जाता है कि कोई भी जो बहुपद है क्या वो अपने मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब होता है या तो घातों के घटते क्रम में या घातों के बढ़ते क्रम में। तो यहां हम देख रहे हैं ये घातों के घटते क्रम में, एक्स पे 2 की घात है, फिर एक्स पे 1 की घात है, फिर यहाँ अचर है मतलब एक्स पे 0 की घात है। इसका मतलब ये अपने मानक रूप में है। अब स्टूडेंट्स, इसके शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब होता है मूल, और शून्य का मतलब ये भी होता है कि यहां हम जो अज्ञात राशि यहां पर दी गई है, इस अज्ञात राशि एक्स के स्थान पर कौन कौन से मान रख दें ताकि ये शून्य बन जाए पूरा का पूरा पद, वही शून्य कहलाते हैं। फिर स्टूडेंट्स, यदि कभी आपको ऐसा प्रश्न आता है कि इसके अधिकतम कितने शून्य होंगे, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखा करें बहुपद की घात, अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे जैसे इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2 है। अब स्टूडेंट्स, यहां बहुपद की घात 2 है, इसका मतलब ये होगा कि इसके अधिकतम 2 शून्य ही होंगे। ठीक है, तो वो 2 शून्य का हमें फाइंड करना है। तो शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, शून्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो जो भी बहुपद दिया होता है इसको इसके गुणनखंड तोड़ना होते हैं, इसके फैक्टर हमें करना है। या तो श्रीधराचार्य सूत्र से भी हम हल कर सकते हैं या फिर गुणनखंड तोड़ के भी हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था 4x वर्ग ऋण 4x और धन 1, इसको हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इस धन 4 का इस धन 1 में कर लेते हैं गुणा, तो हमें कितना आता है वो हम यहां लिख लेते हैं, कितना आता है धन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें यहां क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना होता है 2 भागों में। तो हम यहां लिख लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम, मध्य पद को 2 भागों में बांटने पर। आप चाहें तो क्रियाविधि लिखें या नहीं चाहें तो नहीं लिखें। मध्य पद को 2 भागों में बांटने पर, जब स्टूडेंट्स हम मध्य पद को 2 भागों में बांट रहे होंगे, मध्य पद लिखा है ऋण 4x, मतलब इस ऋण 4x के ऐसे गुणनखंड हम तोड़ेंगे कि उनका गुणा होगा धन 4, और यदि हम जोड़ें या घटाएं तो ऋण 4x ही आना चाहिए। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, पहला पद देखो आप, ये ज्यों का त्यों 4x वर्ग, इसको हम लिख ले रहे हैं स्टूडेंट्स ऋण के 2x और ऋण के 2x। अब आप देखो ऋण के 2x और ऋण के 2x समान चिन्ह हैं, जुड़ जाएंगे तो ये ऋण के 4x हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये ऋण के 4x ही लिखे हैं अभी भी, समझ जाओ आप। और ऋण 2 का जब हम ऋण 2 में गुणा कर रहे हैं तो धन के 4 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम इसे तोड़ सकते हैं और ये धन 1 रहेगा ज्यों का त्यों। मतलब यहां ये 3 पद होते हैं, 3 पद के बन जाते हैं कितने पद, 4 पद। अब हम यहां क्या करते हैं, 2-2 में से उभयनिष्ठ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम, 2-2 में से कॉमन लेते हैं। यहां जब हम 2-2 में से उभयनिष्ठ लेंगे तो आप चाहें तो यहां क्रियाविधि लिख सकते हैं। तो यहां 2 में लाइन नीचे खींच लेना और यहां 2 में नीचे लाइन खींच लेना। अब यहां उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि यहां भी वो संख्या दिख रही हो और यहां भी दिख रही हो। ठीक है, तो जैसे हम देखें 4 यहां है 2 यहां है, तो 2 का भाग 4 में लगता है और 2 ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या, मतलब 4 में भी 2 छुपे और 2 में तो है, तो 2 कॉमन ले लिए। अब और भी कॉमन मिल रहा है, यहां x भी यहां है, x भी यहां है, तो कम घात वाला पद x भी यहां कॉमन मिल रहा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां देखते हैं कि 2x में हम कितने का गुणा करें कि 4x वर्ग आ जाए। तो 2x में करेंगे हम कितने का गुणा, 2x का, देखो 2 × 2 = 4 और x का x में x स्क्वायर, वही आ जाएगा बिल्कुल। उपरी ऋण ज्यों का त्यों, फिर वही 2x का कितने में गुणा करेंगे, 2x आ जाए, तो यहां 1 में करना पड़ेगा। करके देखो 2x का 2x में गुणा तो ऊपर का पद मिल रहा 4x स्क्वायर, बिल्कुल सही, 2x का ऋण 1 में ऋण 2x। अब स्टूडेंट जो 2x ऋण 1 एक कोष्टक में आ जाता है, अगले कोष्टक में थोड़ी सी जगह छोड़ के हमें वही लिखना होता है। निश्चित रूप से ये यहां आ रहा होता है, लेकिन यहां जब हम देख रहे हैं तो ऋण 2x धन 1 लिखा है, मतलब 2x ऋण 1, मतलब यहां कोई भी चीज का मन नहीं मिल रही। तो जब ज्यों का त्यों पद यहां लिखा मिलता है तो हम 1 का मन लेते हैं और फिर चिन्ह देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का 2x में गुणा करेंगे तो 2x आएगा और 1 का 1 में 1, अब चिन्ह देख लेते हैं। ये ऊपर के 2x ऋण के हमें चाहिए है, तो यहां धन है, यहां हम ऋण लेंगे,
क्योंकि इस ऋण का जब धन में गुणा करेंगे तो असमान चिन्हों का गुणारण होगा, ऋण एक का 2x गुणा ऋण 2x, ऋण एक का ऋण एक गुणा धन एक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहां क्या करते हैं, पूरे में से उभयनिष्ठ लेते हैं। जब हम यहां पूरे में से उभयनिष्ठ लेते हैं तो 2x ऋण एक यहां, 2x ऋण एक यहां है, इसका मतलब हम 2x ऋण एक को एक कोष्टक में लिख देते हैं और एक कोष्टक में लिखे जाते हैं काम नहीं कामन, तो ये 2x ये भी कामन थे और ऋण का एक ये कामन था। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बहुपद दिया था 4x वर्ग ऋण 4x धन एक, इसकी ये गुणनखंड टूट गए, मतलब इनका यदि हम गुणा करेंगे तो ये बहुपद हमें आ जाएगा। अब हमें क्या करना है शून्यकों के लिए, तो जब हम शून्यक निकाल रहे होते हैं तो इन्हीं के बराबर में हम जीरो को क्रमशः रखते जाते हैं। अब हम यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए, तो जब हम शून्यक निकाल रहे होंगे तो हम क्या रखेंगे 2x ऋण 1 बराबर 0 रख दिया करें, हमेशा ये 0 नहीं भी है तो भी आप रख दिया करें, तो यहां से शून्य फाइंड हो जाते। तो 2x बराबर 0 का कोई मतलब नहीं, एक इस तरफ आ रहा होगा तो काय का रहा होगा धन का, इसलिए जब हम यहां से x का मान निकाल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 1/2। ठीक है, x का मान 1/2, देखो एक बार इसके बराबर हम 0 रखें तो 1/2, और एक बार फिर हम इसके बराबर 0 रखेंगे, अब आप यहां भी 0 रखो तो वही तो है, चूंकि समान थे ये दोनों गुणनखंड तो इसका भी 1/2 आएगा, आप चाहो तो लिख लो 2x ऋण 1 बराबर 0, तो 2x बराबर धन 1 और x बराबर कितना रहा होगा 1/2, मतलब एक शून्यक हमारा 1/2 और दूसरा शून्यक भी 1/2, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं ये पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक। तो स्टूडेंट्स यहां लास्ट में हम जब आंसर लिख रहे होंगे तो 1/2 एक कोष्टक में और 1/2 एक कोष्टक में, इस टाइप से आप ऐसा ब्रैकेट लगा दिया करें। तो स्टूडेंट्स उसमें क्या कहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसके दोनों शून्यक आ गए 1/2 और 1/2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी क्या कह रहे हैं, इसमें भी हमें शून्यक ही फाइंड करना है, शून्यक ही इसमें हमें प्राप्त करना है। ये ठीक है 1/2 1/2 इसका आंसर आया है, यहां भी हमें शून्य की फाइंड करना है, पर बहुपद क्या लिखा है, हाँ एक चीज और यहां कुछ एक्स्ट्रा हो गया, वो क्या है एक्स्ट्रा, द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन 7x धन 10 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं शून्य। ठीक है स्टूडेंट, तो शून्य निकालने की विधि क्या है, सबसे पहले बहुपद को लिखो x वर्ग धन 7x धन 10। ठीक है, फिर वही इस एक का लास्ट के 10 में गुणा किया तो धन 10 मिला, मतलब 7x को ऐसे तोड़ना है हमें कि यदि हम गुणा करें तो धन 10 आए और जोड़ें घटाएं तो कितना आए, धन के 7 आए। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स वर्ग ज्यों का त्यों, इसको हम लिख लेते हैं धन के 2x और धन के 5x। देखो धन के 2x और धन के 5x समान चिन्ह जुड़ते हैं तो धन के 7x हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, और धन 2 का जब धन 5 गुणा होगा तो धन 10 आएंगे। इसी प्रकार से लेते हैं तो तीन पद के कितने पद बन गए, 4 पद बन गए, क्रियाविधि नहीं लिख रहे, जब 4 पद बन जाए तो 2-2 में से उभयनिष्ठ ले लिया करें, एक्स यहां भी दिख रहा है एक्स यहां भी दिख रहा, अंक यहां है नहीं तो केवल एक्स ही कामन ले रहे होंगे हम। एक्स जब हम उभयनिष्ठ लेंगे कॉमन तो एक्स का कितने में गुणा करें, एक्स वर्ग आ जाए एक्स में, धन ज्यों कहते हैं ये वाला, एक्स का कितने में गुणा करें 2x आ जाए 2 में। फिर जैसे एक कोष्टक में एक्स धन 2 आ गया तो अगले कोष्टक में थोड़ी दूरी पे आपको एक्स धन 2 ज्यों कहते हैं लिखना, ये आते ही है। अब इन 2 में से कॉमन हम देख रहे हैं तो 5 का भाग 5 में तो जा ही रहा, 5 का भाग 10 में भी जा रहा, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, ऋण कहीं है नहीं तो यहां भी धन ले लो, धन 5 का एक्स गुणा होगा धन 5x, धन 5 का धन 2 में धन 10। अब स्टूडेंट्स यहां हम क्या करते हैं, जो दो कोष्टक हमें एक से मिल गए हैं एक्स धन 2 एक्स धन 2, इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां एक्स धन 2 एक बार मिल जाएगा और एक बार ये एक्स धन ये 5, मतलब एक बार हम दोनों गुणनखंडों को लेते हैं और एक बार हम कॉमन कॉमन को लेते हैं, तो इसको हम समीकरण एक कुछ दे सकते हैं, ये तो अभी अपने गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम शून्य फाइंड करेंगे। ठीक है, तो शून्य कैसे निकाले जाते हैं, एक बार जब हम एक गुणनखंड के बराबर 0 रखते हैं, जब हम x धन 2 बराबर 0 रख रहे होंगे तो हमें यहां x बराबर कितना मिल रहा होगा, x बराबर मिल रहा होगा कितना 0 का तो कोई मतलब नहीं, 2 इस तरफ आए तो ऋण के 2 हो गए। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट शून्यक, कितना एक शून्यक हो गया हमारा, कितना इसमें ऋण 2। ठीक है, अब जब हम दूसरा शून्यक निकाल रहे होंगे तो हम कितने के बराबर 0 रख रहे होंगे, x धन 5 बराबर 0 रख रहे होंगे, x धन 5 बराबर 0, तो हमें x का मान कितना मिल रहा होगा, 5 इस तरफ बराबर के धन के हैं 0 के इस तरफ आएंगे, 0 का कोई मतलब नहीं ऋण के,
तो ये स्टूडेंट्स हमारा कौन सा शून्यक मिल रहा होगा, ये दूसरा शून्यक। यदि उनने ये कहा था कि शून्यक ही फाइंड करना तो हमें यही रुक जाते और ऋण दो ऋण पांच हमारे शून्यक होते, लेकिन उनने क्या कहा है कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। स्टूडेंट्स यदि आप यहां तक देख रहे हो तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यहां से आपको लगभग 8 से 10 अंक के क्वेश्चन निश्चित रूप से एमपी बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो ये शून्यक मिल गए। अब हमें क्या करना है, गुणांकों की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो जब हम जांच कर रहे होंगे तो कुछ सूत्र हमें याद रखना होते हैं। इनको आप देखो कैसे सूत्र लगते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक। ठीक है, आप ऐसा समझ जाओ कि जैसे एक शून्यक हमें अल्फा मिल गया, दूसरा शून्यक हमें बीटा मिल गया, ये भी हम कह सकते हैं। तो पहले हम लगाते हैं शून्यकों का योग। तो ये आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, शून्यकों का योग होता है ऋण बी बटे ए, या हम शून्यकों के योग को ऐसा भी कह सकते हैं जो ऋण बी है ये काय का गुणांक है। आप देखो ऋण बी जो है स्टूडेंट्स ये ऋण एक्स का गुणांक है, तो हम इसको लिख लेंगे ऋण ये। ठीक है, बी का मान ये ए, ये बी और ये सी, या फिर शून्यकों का योग का आप तो सीधा ऐसा सूत्र लिखो ऋण, और यहां लिख दिया करें आप एक्स का गुणांक ऋण लगा के, और बटे ये जो ए है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब आप रखो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो एक कितना था हमारा था ऋण दो, धन दूसरा कितना था ऋण पांच, तो हमने कोष्टक लगा के लिख दिए, दो एक साथ नहीं चिन्ह लगते, बराबर ऋण एक्स का गुणांक कितना था सात, तो ऋण योग का तो सात, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ एक, मतलब एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है, किस गुणा का, किस अंक का गुणा है का, तो हम कहेंगे एक। यहां जब हम स्टूडेंट्स हल कर रहे होंगे तो ऋण दो धन का ऋण में गुणा ऋण पांच बराबर बटे एक तो चलता ही है, लिखा नहीं जाता हर बार, यहां ऋण सात मिल जाएगा, ये समान चिन्ह जुड़ते हैं ऋण के पांच और ऋण के दो, ये समान चिन्ह जुड़ेगा, तो यहां आ गया ऋण सात बराबर ऋण सात। ठीक है, तो ये एक जांच हो गई, ये मतलब दोनों पक्ष बराबर आ गए, आप चाहें तो ऐसा कोई सिंबल यहां लगा सकते हैं। तो ये क्या किया हमने, शून्यकों का योग। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम हल करेंगे, अब करेंगे हम शून्यकों का गुणा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम शून्यकों के गुणा को हल कर रहे होंगे तो यहां हम लिखेंगे अब शून्यकों का गुणा। तो स्टूडेंट शून्यकों का गुणा आप चाहो तो ये फार्मूला होता है सी बटे ए, और शून्यकों का गुणा कितना होता है सी बटे ए, तो या तो आप सी बटे, या देखो सी जो होता है ये होता है ये ए बी सी, सी का मान क्या होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे ए, ए क्या है ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप तो ये शून्यकों का गुणा ऐसा होता है, आप इस फार्मूला को ही याद कर लें, इसके बाद से स्टूडेंट्स आप यहां देखना। ठीक है, तो शून्यकों का गुणा, शून्य कौन कौन से आए थे हमारे ऋण दो और ऋण पांच, तो यहां हम लिखेंगे ऋण दो गुणा ऋण पांच बराबर अचर पद, यहां अचर पद कितना है धन दस, तो यहां हम लिख रहे होंगे धन दस, वो बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है एक, तो यहां हम लिख रहे होंगे एक। अब यहां गुणा कर दो ऋण दो का ऋण पांच में, तो समान पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, समान चिन्हों का गुणा धन होता है, तो ऋण करण में गुणा धन और दो पंचे दस, तो यहां भी धन के दस मिल गए और यहां भी धन के दस मिल गए, तो ये भी दोनों पक्ष कैसे आ गए एक से आ गए दस बराबर दस, तो ये कहलाती है सत्यता की जांच। आप हेडिंग डाल के इसको कर सकते हैं, दोनों पक्ष एक से आ रहा है मतलब सत्यता की जांच हो गई। अब हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन में कहा है बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण तीन के, बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण तीन के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे किसके हम गुणनखंड निकाल के और बहुपद सॉरी शून्य फाइंड करेंगे किसके शून्य क्या होंगे। तो एक्स स्क्वायर ऋण तीन लिखा है स्टूडेंट्स, इसको जरा समझो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऋण वर्गमूल तीन का स्क्वायर,
बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा, तभी इसके गुणनखंड टूटेंगे और कोई तरीका इसका है नहीं। क्योंकि देखो वर्गमूल एक्स का एक्स में गुणा करोगे दो बार तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऋण यहां लगा ही है। वो वर्गमूल तीन का वर्गमूल तीन में जब आप गुणा कर रहे होगे दो बार तो यह जाएगा वर्गमूल नौ, और नौ का वर्गमूल कितना होता है तीन, ठीक है। वर्गमूल तीन का वर्गमूल तीन गुणा तीन होता है, इतना आप ध्यान रखो। तो मतलब ये तीन ही लिखे हैं अभी, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो है कौन सा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और ए कोष्टक में होता है ए ऋण बी से। ये फार्मूला हम यहां पर लगा रहे होंगे, ए की जगह मिलेगा हमें एक्स और बी की जगह मिल रहा होगा ऋण तीन। मतलब देखो ये गुणनफल लिखा है और ये कहलाते हैं इस तरह के इनके गुणनखंड। तो इनके गुणनखंड जब हम तोड़ रहे होंगे तो यहां हमें इनके गुणनखंड में मिलेगा जब हम एक्स स्क्वायर ऋण वर्गमूल तीन का होल स्क्वायर के गुणनखंड तोड़ रहे होंगे, तो इस फॉर्मेट में तो ये लिखे ही, हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। मतलब एक बार एक्स धन करणी तीन और एक बार एक्स ऋण करणी तीन, एक बार ए धन बी और एक बार ए ऋण बी। कहने का मतलब हमें इसके जो गुणनखंड मिल गए वो क्या मिल गए स्टूडेंट्स, इसके हमें गुणनखंड मिले एक्स धन वर्गमूल तीन और एक्स ऋण वर्गमूल तीन। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक। तो जब हम शून्यक निकालते हैं तो आपको अभी हमने बताया था शून्यकों के लिए क्या किया जाता है, एक बार एक बहुपद के बराबर जीरो, मतलब एक गुणनखंड के बराबर जीरो रखते हैं जब हम एक्स धन करणी तीन के बराबर जीरो रख रहे होंगे, तो यहां मिल रहा होगा एक्स बराबर जीरो का कोई मतलब नहीं, करणी तीन इस तरफ आके ऋण के हो रहे होंगे, ये हमारा फर्स्ट शून्यक मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब हम एक बार अब इसके बराबर जीरो रखा, एक बार इसके बराबर जीरो रखेंगे, जब हम एक्स ऋण करणी तीन बराबर जीरो रख रहे होंगे तो एक्स बराबर कितना आ रहा होगा, ये करणी तीन ऋण के हैं इस तरफ आएंगे तो काय के होंगे धन के। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा शून्यक होगा, ये होगा हमारा सेकेंड शून्यक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गए, ये दो शून्यक हो गए। अब हमें क्या करना है, शून्यक तो निकला है, अब हमें करना है जांच, ठीक है। जांच कैसे करते हैं, अभी हमने जो आपको दो सूत्र बताए थे वहां से जांच होती है। जांच करने में एक बार हम लिखते हैं शून्यकों का क्या योग और एक बार लिखते हैं शून्यकों का गुणा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम कर रहे हैं शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग होता है ऋण बी बटे ए। मतलब यहां आप तो याद ही कर लो, इसको हम लिखते हैं ऋण एक्स का गुणांक वो बटे लिखते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो नीचे है ही, ये आप याद कर लो दोनों में, चाहे योग हो चाहे गुणा हो। तो ठीक है स्टूडेंट, शून्यकों का योग, शून्यक है हमें कितने मिले हैं, एक तो मिला है ऋण वर्गमूल तीन और धन एक मिला है धन वर्गमूल तीन बराबर ऋण जो कहते हो एक्स का गुणांक। तो यहां एक्स का गुणांक कितना है स्टूडेंट्स, यहां एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो जीरो है। देखो इसमें एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो एक्स का गुणांक यहां कितना होगा, आपको जो पद दिखे ना, जरा ध्यान से सुनना, जो पद आपको दिखे ना उसका गुणांक जीरो रख दिया करे। क्योंकि इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, यहां देखना आप इसको लिख सकते थे एक्स वर्ग धन या ऋण शून्य इंटू एक्स और ऋण तीन। तो यहां देखो दो की घात एक की घात, अच्छा एक्स गुणांक कुछ नहीं तो कितना रखेंगे हम जीरो, तो यहां रख देंगे हम ऋण जीरो और बटे यहां क्या रहा होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है एक, तो यहां हम एक लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऋण करणी तीन और धन करणी तीन ये घटेंगे तो कितना बचेगा यहां जीरो, और ऋण का यहां कोई मतलब नहीं, जीरो है ऊपर और नीचे कोई भी संख्या रहे, यदि ऊपर जीरो है तो उसका वन टोटल कितना होता है जीरो। मतलब ये दोनों पक्ष कैसे आ गए, बराबर आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमने एक बार शून्यकों का योग लिया, अगली बार हम लिखेंगे शून्यकों का गुणा। तो स्टूडेंट शून्यकों के गुणा का जो फार्मूला होता है, शून्यकों के गुणा में आपको याद रखना है इसका फार्मूला है, ऊपर होता है अचर पद, अचर पद, ठीक है याद रखना, गुणा, ठीक है गुणा गुणा, कोई लोग कई गुणा चर रहे शिखर के आप याद रख सकते हो, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इसका फार्मूला है। तो जब हम मान रख रहे होंगे तो अचर पद कितना है, अचर पद कितना है यहां देखो आप,
अचर पद है ऋण तीन जी, ये कहलाता है अचर पद माय चिन्ह की। अचर पद कितना है ऋण तीन बटी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक ही है बटी एक, और यहां शून्य को का गुणांक, तो शून्य कौन कौन है, ऋण की करणी तीन गुणा दूसरा शून्य था धन की करणी तीन। अब आप देखो ऋण का धन में गुणा होगा कितना ऋण, वो करणी तीन का करणी तीन में होता है तीन, तो यहां आ जाएगा ऋण तीन बराबर ऋण तीन। देखो ये भी दोनों पक्ष एक से आ गए, मतलब ये कहलाती है जांच कि इसमें हमें दोनों पक्ष एक से सिद्ध करना होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक चार को, इसमें क्या कहा गया है स्टूडेंट्स। इसमें कहा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग ऋण तीन और गुणनफल कितना है, गुणनफल है दो। क्या कह रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग है कितना ऋण तीन और गुणनफल है कितना। मतलब आपको दिया है यहां पर, चाहो तो आप दिया है मैं जो कहते हूं लिख लो, शून्यकों का योग कितना दे रखा है उन्हें ऋण तीन और शून्यकों का गुणा कितना दे रखा है दो। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो स्टूडेंट जरा ध्यान रखना, ये द्विघात बहुपद बनाने का एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को ही आपको याद कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, वो फार्मूला क्या होता है देखते हैं। वो बहुपद बनाने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस, हमेशा ऐसा ही आपको ये फार्मूला लिखना है, माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग इंटू एक्स धन, यहां ध्यान रखना योग के पहले ये ऋण है, ऋण शून्यकों का गुणा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुपद का क्या है, ये बहुपद का बनाने का एक फार्मूला है, एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग एक्स धन शून्यकों का गुणा। रख दो इसमें मान, तो एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग हमें कितना दिया है, तो इसमें शून्यकों का योग कितना दे रखा है उनने, शून्यकों का योग दिया है कितना ऋण तीन, तो ऋण और यहां हम कितना लिख रहे होंगे ऋण तीन। ये ऋण तो फार्मूला का है लेकिन शून्यकों का योग खुद अपने आप में कितना दिया यहां पर ऋण तीन, समझ पा रहे बिल्कुल। ठीक है, और धन और इंटू एक्स, तो जो कहते हो एक्स धन शून्यकों का गुणा, शून्य को गुणा कितना दिया दो। जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, ये फार्मूला है, जब हम इसे आगे बढ़ा रहे होंगे तो एक्स वर्ग ऋण का ऋण में गुणा कोष्टक के बाहर गुणा होता है, समान चिन्हों का गुणा धन होता है, तो यहां धन लग जाएगा, ये तीन एक्स आ जाएगा ऋण तीन, ऋण का ऋण में गुणा धन, तीन का एक्स में गुणा तो गुणा है और धन दो। क्या घातों घटते क्रम में है, दो की एक की अचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया हमारा, अब इसके आगे हमें हल नहीं करना है, उनने कहा था कि द्विघात बहुपद, यही द्विघात बहुपद कहलाता है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, इसका आंसर मिलेगा एक्स वर्ग धन तीन एक्स धन दो। केवल आपको एक चीज याद रखना है, यही वर्ग समीकरण बनाने का फार्मूला है ये वाला, यही आगे चार अध्याय में पढ़ोगे वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला है, और यही बहुपद बनाने का फार्मूला है द्विघात बहुपद यदि कहा जाए तो। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यहां भी हमें द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग एक बटे चार गुणनफल ऋण एक है, तो हम लिख लेते हैं शून्यकों का योग कितना दे रखा है, ये आप दिया है यदि लिखते जाए तो अपने आप नंबर आपको एक एक डिजिट नंबर मिलते जाएंगे, शून्यकों का योग कितना दिया है एक बटे चार, तथा और उन्हें क्या दे रखा है, और उन्हें दे रखा है शून्यकों का गुणा, ये कितना दे रखा ऋण एक, और हमें क्या ज्ञात करना है बहुपद, तो यह हम चाहो तो द्विघाती बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो स्टूडेंट, द्विघाती बहुपद बनाने का जो फार्मूला होता है वही हमने अभी आपको बताया, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणा, धन शून्यकों का गुणा, ये इसका फार्मूला है। जब हम मान रख रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया स्टूडेंट्स एक बटे चार और इंटू एक्स, तो यहां हम एक्स लिख देंगे, और धन शून्यकों का गुणा, शून्य को गुणा कितना दिया ऋण एक, तो ये ऋण एक हमेशा रख देंगे, कोष्टक में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहां बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, धन लगा है, और दो चिन्ह एक साथ कभी आते नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये एक स्टेप हम हल करे ले रहे हैं, तो यह मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर ऋण ही है यहाँ, एक्स स्क्वायर ऋण एक बटे चार एक्स, वो धन का ऋण में गुणा असमान चिन्हों का गुणा कितना होता है स्टूडेंट्स, असमान चिन्हों का गुणा होता है ऋण, तो यहाँ एक काय का हो जाएगा ऋण का। अब हमें
इसमें क्या करना है, आप देखा करें कि बटे में यदि कोई संख्या लिखी है, ठीक है, और यदि दो तीन संख्या बटे में लिखी तो उनका लघुत्तम लेना है, पर यहां तो कुछ नहीं है, लघुत्तम का गुणा करते हैं, पर यहां तो कितना है, चार दिख रहा है, तो इसमें हम चार का गुणा कर सकते हैं मन से पूरे बहुपद में। तो जब हम, ये भी आंसर सही है, यहां भी आप छोड़ सकते हो पर पूरे अंक नहीं मिलेंगे, किसी बहुपद में एक सी संख्या का गुणा भाग किया जा सकता है, तो हम जब जो संख्या में बटे में दिख रहे हैं आप उसी का गुणा इसमें कर दिया करें, जब हम चार का गुणा कर रहे होंगे तो चार का गुणा एक्स वर्ग में भी होगा, तो यहां आ रहा होगा चार एक्स वर्ग, फिर चार का गुणा एक बटे चार में भी करोगे तो आप यहां देखो रब में हम कर रहे हैं चार गुणा एक बटे चार, तो चार से चार यहां कट रहे होंगे, केवल यहां स्टूडेंट्स ऋण के एक्स बच रहे होंगे, एक एक्स, तो एक हम लिखते नहीं है, और यहां जब ऋण एक में चार का गुणा कर रहे होंगे तो यहां कितना आ रहा होगा, ऋण चार आ रहा होगा, तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बहुपद बन चुका है। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन था, अब हम और देख लेते हैं, लगभग छह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसमें है, तो ये छठवां क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही इसमें है, कुछ अलग से नहीं है, क्या कह रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों का योग, तो डायरेक्ट हम मान रख रहे हैं शून्यकों का योग एक, और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल भी कितना उन्होंने दे रखा है, एक दे रखा है, तो हम केवल क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें हम केवल बहुपद का फार्मूला लगाएंगे, और बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ही है हमेशा, यहां आप तीन चार बार इस फार्मूला को लिख करके देख ले, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स धन, क्या लिखेंगे यहां, शून्यकों का गुणा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग कितना दिया है, एक इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणा एक दिया है, केवल एक स्टेप हल करना है, एक्स स्क्वायर एक, हर एक संख्या का गुणांक एक होता है, एक स्टूडेंट यहां पर लिखा नहीं जाता, तो केवल हम ऋण का एक्स लिखेंगे और धन का एक यहां पर हम लिख रहे होंगे, तो यही हमारा द्विघात बहुपद बन गया, एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन एक, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, और आप हमें कमेंट में जरूर लिखें कि आप हमसे कौन सा और अध्याय या साइंस में, इंग्लिश में या सोशल साइंस में कौन सा चैप्टर टॉपिक आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।